आप जब दुआ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे ये दे दे, आपको पता है कि वो आपके आपके कारामद है या नहीं है, आपके लिए फायदे में है या नहीं है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तुम तो हो सकता है किसी नुकसानदेह चीज से मोहब्बत कर बैठो, तुम तो हो सकता है दिल कहीं ऐसी जगह पे लगा बैठो तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दे। वो अगर तुम्हें नहीं मिलता या नहीं मिलती, तुम उस पर गम का इजहार करते हो, लेकिन अल्लाह जानते और तुम नहीं जानते। अल्लाह पूछ रहा है आगे तो और कुछ नहीं मांगेगा, कह रहा और कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि उससे आगे का पता ही नहीं है उसको। अल्लाह रब्बिल इज्जत वल जलाल का रहम यह है कि इंसान की जहालत के ऊपर, इंसान के ला इल्म होने के ऊपर, इंसान अल्लाह ताला उस वक्त की बुनियाद पे उसकी बातों को कबूल कर लेता है। हालांकि अल्लाह को पास्ट का पता है, अल्लाह ताला को पता है कि 27वीं शब को जो आपके आंसू बह रहे होते हैं और सजदों के अंदर होते हैं, अल्लाह ने पता, अल्लाह को पता है 28वीं को क्या करना है, अल्लाह को पता है चांद रात को क्या करना है, पता है ईद पे क्या करना है, ईद के बाद क्या करना है, अल्लाह को पता है तुम कितने सच्चे हो वादों के अंदर, जो तुमने एतिकाफ के अंदर किए, अल्लाह को सब पता है। लेकिन अल्लाह का रहम यह है कि अल्लाह अगर अपने इल्म को रखते हुए तुम्हें माफ करना चाहे, तुम्हारी माफी नहीं बनती, क्योंकि उसको पता है कि तुमने क्या करना है। लेकिन अल्लाह का रहम यह है कि अल्लाह तुम्हें माफ करता है आज की हालत के।